good evening students <coughs> good evening students welcome back again this is your online maths class for class 5 students yesterday i gave you exercise 36 1 to 12 and i told you that rest of sums will be described in next class so today we are here for rest sums students question number 13 is A bag कैन होल्ड 96 kg sugar. How सुगर हाउ मच सुगर इज the इन द बैग is इट इज 8 full? एट फुल कह रहा है क्या कि किसी बैग में 96 सिक्स के जी सुगर भरा जा सकता है अगर इस बैग का फाइव बाई एट फुल हो तो बताइए कि उसमें अभी कितने सुगर हैं तो 96 सिक्स के जी सुगर भरा जा सकता और 5 by 8 है और फाइव बाई एट फील्ड है दैट मीन्स सिक्सटी के जी फील्ड होंगे बिकॉज हम लोग क्या करेंगे टोटल जो होगा उसका फाइव बाई एट सॉल्व करेंगे देन इट विल बिकम सिक्सटी के जी ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फोर्टीन टेस्ट वॉज गिवन टू अ क्लास ऑफ फोर्टी टू स्टूडेंट्स इफ सिक्स बाय सेवन ऑफ दिस स्टूडेंट पास हाउ मेनी फेल्ड किसी क्लास में फोर्टी टू स्टूडेंट से उनका टेस्ट लिया जा रहा है इसमें सिक्स बाय सेवन पास हो जाते हैं तो पहले हम निकाल लेंगे सिक्स बाय सेवन सो सिक्स बाय सेवन ऑफ फोर्टी टू इट विल बिकम थर्टी सिक्स दैट मीन्स फोर्टी टू में थर्टी सिक्स स्टूडेंट पास हैं तो फेल्ड स्टूडेंट का नंबर निकालना काफी आसान हो जाएगा <coughs> हम लोग क्या करेंगे टोटल स्टूडेंट में पास्ट स्टूडेंट को माइनस कर देंगे तो फेल स्टूडेंट का नंबर फाइंड आउट हो जाएगा ओके सिमिलरली क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन मोनाज स्कूल इज सिक्स किलोमीटर अवे फ्रॉम हर हाउस मोना का स्कूल जो है उसके घर से छह किलोमीटर दूर है तो वो टोटल डिस्टेंस का टू बाय थ्री रिक्शा से कवर करती है और उसके बाद रिक्शा में कुछ फॉल्ट आ जाता है जिसके कारण रिमेनिंग डिस्टेंस उसे पैदल ही पार करना होता है तो बताइए वो कितना वॉक करती है तो स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले रिक्शा से जो डिस्टेंस कवर करती है वो उसे फाइंड आउट करेंगे तो पता चलता है कि रिक्शा से वो टोटल फोर किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है चलो टू बाय थ्री अब सिक्स ना अब रिमेनिंग डिस्टेंस वो फुट से कवर करती है तो टोटल डिस्टेंस है सिक्स किलोमीटर और रिक्शा से उसने कवर किया फोर किलोमीटर तो उसे हम लोग माइनस कर देंगे एंड इट विल बिकम टू किलोमीटर ओके स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेवनटीन क्वेश्चन नंबर सेवनटीन इज द कैपेसिटी ऑफ अ पार्किंग लॉट इज दैट ऑफ एटी फोर कार्स एट अ पर्टिकुलर टाइम थ्री बाई फोर ऑफ़ द पार्किंग लॉट इज ऑक्यूपाइड हाउ मेनी मोर कार्स कैन बी पार्क एट दैट टाइम कहता है कि किसी पार्किंग लॉट में एटी फोर कार रह सकते हैं किसी खास वक्त में उस आ, पार्किंग लॉट में टोटल कार के थ्री बाय फोर कार लगे हुए हैं तो बताइए इसमें और कितने अधिक कार लग सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे पहले थ्री बाय फोर पोर्शन जो ऑक्यूपाइड है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एट्टी फोर इंटू थ्री बाय फोर दैट मीन्स टोटल सिक्सटी थ्री कार्स अभी लगे हुए हैं सो नंबर ऑफ मोर कार्स वीच कैन पार्क इन इट अब और कितने कार्स में पार्क हो सकते हैं तो टोटल नंबर ऑफ कार्स में माइनस कर देंगे हम लोग अलॉटेड पोर्शन सो एटी फोर माइनस सिक्सटी थ्री इट विल बिकम ट्वेंटी वन सो स्टूडेंट्स दिस इज ऑल फ्रॉम टूडेज मैथ्स क्लास आप सभी इन ऑनलाइन क्लास में जो मैथ्स बताए जा रहे हैं इसका होमवर्क बना लेंगे एक्सरसाइज थर्टी सिक्स के थर्टीन टू एटीन एंड लेटर क्वेश्चन क्लास मीट अगेन टिल देन यू ऑल जस्ट टेक केयर एंड गुड बाय